बच्चों, सामान्य विधि से गुणा सीखने के बाद आइए अब हम इस वीडियो के माध्यम से लैटिस विधि से गुणा करना सीखते हैं। एक लैटिस विधि एक विशेष विधि होती है जिसमें हम गुणा करने की बिल्कुल सरल विधि है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे गुणा? जैसे हम दो अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से गुणा करनी है, तो 6 की 4 से 6 चौका 24 सीधा यहाँ लिख लो, कुछ भी नहीं करना आपने। अब 4 की गुणा 3 से 4 किया 12, तो इससे आगे समझना है आपने, ये 4 इनको जोड़ो, जोड़ देंगे 2 और 2 4 और ये 1। इस विधि में गुणा करने के लिए हम इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं जी, बॉक्स के माध्यम से गुणा करते हैं। ऐसे बॉक्स जैसे आपने, और मैं सवाल देता हूँ आपको एग्जांपल, 32 को आपने 4 से गुणा करनी है, तो 4 को गुणा करेंगे 2 से 4 दूनी 8। अब 8 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखें, एक क्वेश्चन आता है 8 को नीचे वाले खाने में लिखना है और ऊपर वाले खाने में क्या लिखें भाई, ऊपर वाले खाने में सुनने। अगर दो अंकों गुणा होती है तो इस प्रकार से लिखना आपने, जैसे 6 चौका 24 यहाँ लिखा, अगर एक अंक आएगा तो नीचे वाले खाने में लिखा जाएगा और ऊपर 0, और 3 की गुणा 4 से 4 दिया 12। ये समझना है आपने यहाँ पे 8 ऐसे कैसे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 0 2 1 का 1, इस प्रकार से हमारा ये उत्तर आ गया। ये बड़ा आसान है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है, आपने बड़े ही प्यार से और ध्यान से इसको करना है। चलो एक सवाल ये देखते हैं, 3 अंकों वाला कैसे करेंगे। 4 में 36 को सीधा यहाँ लिखा, कुछ भी नहीं करना, 4 दूनी 8 बिल्कुल फटाफट होएगा हमारा, 4 6 24, ये बिल्कुल आसान गुणा है, जल्दी जल्दी हो जाती है। 6 इनको जोड़ दो, 8 और 3 11, 11 में से क्या करेंगे, 11 में से 1 लिखेंगे यहाँ, 1 आगे जाएगा, 1 और 4 5 और फिर 2, ये आ गया हमारा उत्तर, बिल्कुल आसान। इसको करेंगे 8 0 0, किसी भी संख्या की हम अगर 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 आ जाती है, या 0 की हम करेंगे 8 से तो 0 आ जाती है, तो कैसे 8 0 0, दोनों में 0 लिख देंगे, 8 दूनी 16, अब 0 6 और 0 6 और ये 1, इस प्रकार से झटपट गुणा आपकी आ गई। लैटिस विधि की गुणा बच्चों बड़ी सरल है, आपने बिल्कुल खेल खेल में इस गुणा को करना है, घबराना नहीं है। एक बार फिर आप दोबारा समझिए, इसमें 2 अंकों वाली संख्या की 2 अंकों से पहले 3 की करेंगे 6 से, 3 6 18, 3 2 6 यहाँ लिखना है, 4 6 24, 4 2 8, ये हो गई ना बिल्कुल सर। अब आगे कैसे करना, आगे देखोगे ना आपने, ये 4 ऐसे कैसे आगे। अब इन तीनों का जोड़, सीध वाले खानों का जोड़ करना है, 8 और 2 10 10 और 8 18, 18 में से 8 आएगा और 1 यहाँ आगे, 1 और 1 2 2 और 6 8 और ये 0, ये हमारा उत्तर आ गया। इसी प्रकार जल्दी जल्दी करते हैं हम, 24 की गुणा 24 से ही करते हैं, खाने ध्यान से लगाने हैं आपने, अगर खाने गलत लगा दिए तो समझ लो आपका सवाल भी गलत हो जाएगा, ऐसे पिछड़ भी जाना चाहिए। अब जल्दी, 4 दूनी 8 2 दूना 4 4 चौके 16 4 दूनी 8, बड़े जल्दी जल्दी करेंगे, 6 आ गया, 8 1 9 9 और 8 17 का 7 17 है ना, यहाँ 7 लिखेंगे, 1 यहाँ जाएगा, 1 और 4 5, देखो कितने आसान गुणा है ना, बढ़िया आसान गुणा, उससे भी आसान पड़ती है ये, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल आपको नहीं आएगी। आपने ये गुणा ध्यान से, चलो एक सवाल और देखते हैं, इसमें बड़ा सवाल देखते हैं थोड़ा, 9 से गुणा करेंगे कैसे करेंगे, 9 8 72, किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करेंगे तो 3 अंक में नहीं आ सकती, वो 2 ही अंक में आएगी, तो इसलिए केवल 2 ही अंक दे रखे हैं, ध्यान रखना आप, 2 ही अंक आएंगे, 4 में 36, ये 2 और 6 और 7 13 होते हैं ना, 13 में से 3 यहाँ 1 आगे, 1 और 3 4 उत्तर आ गया, झटपट है, झटपट गुणा करनी है आपने। चलो एक और जल्दी जल्दी एक और देख लेते हैं, बड़ी बड़ी गुणा, 29 को 98 से, बड़ी आसान है ये, लगाओ लाइन में बस होगी गुणा, निम्न इसको यहाँ से, निम्न 81, 9 दूनी 18, 8 निम्न 72, 8 दूनी 16 होगी बस, 2 6 और 7 13, 13 और 1 14, 1 और 8 9 9 और 8 17, 17 और 1 18, 1 और 1 2, देखो कितनी आसानी से होगी, कुछ भी नहीं करना आपने, केवल जोड़ी तो करना है और पहाड़े दस्तक याद आपको है ही। धन्यवाद।